जैन, सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, इसके बाद ही बात करने वाला हूँ। आपने रील डाल के देख लिया, 4, 5, 6, 7, 10 रील डाल के कितना वायरल हुआ? नहीं ज्यादा वायरल हो रहा है। आपने फोटो डाल के देख लिया, AI फोटो डाल के देख लिया, कुछ भी वायरल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आपने बहुत कोशिश किया फिर भी एक भी वायरल नहीं जा रहा है। भाई साहब, आप गलती करोगे तो कहाँ से वायरल होगा? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। जैसे ऑन करूंगा तो आपको यहां पे लाइव दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरा स्क्रीन आ गया है। यहां पे देख लीजिए मेरे कितने हैं, 4,25,000 फॉलोवर्स है। ठीक है, फेसबुक पे। और मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूं, आप पहले लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। यहां जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पे नीचे आने के बाद यहां पे देखिए कि मेरा वीडियो सेक्शन में जाता हूं। ठीक है, वीडियो सेक्शन में ऊपर में आप देखेंगे, देखिए 2.1 मिलियन 10 मिलियन यहाँ पे अगर देखिएगा 1,79,000 1,94,000 जो कल मैंने डाला था रिसेंटली, एक घंटे में 1,00,000 व्यूज क्रॉस कर जाता है। लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। अगर इसकी अर्निंग की बात दिखाता हूँ कि भाई साहब इसकी अर्निंग कितनी होती है, जब सी डैशबोर्ड पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ मोनेटाइजेशन वाले में जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी मोनेटाइजेशन में नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट आपको पे आउट दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको पे आउट दिखाता हूँ, आप लाइव प्रूफ देखिएगा कि आखिर कितना होता है। ठीक है, आप गलती कहां करते हैं, आपकी रील वायरल क्यों इसलिए नहीं होती है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यहां पे ट्रांजैक्शन में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहां पे देखिए कि कितना ज्यादा अर्निंग है। यहां पे चलिए मैं आपको दूसरा अकाउंट वाला सिलेक्ट करके दिखाता हूं। यहां पे देखिए पिछले महीने मुझे पेड हुआ था $1,366। ठीक है, आपको लाइव प्रूफ यहां पे दिख रहा है $1,366। भाई साहब अगर नहीं दिख रहा है तो भाई देख लो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मेरा पेड हुआ था। तो भाई साहब आप गलती क्यों कहाँ करते हो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसको बंद करके दिखाता हूँ, आप गलती कहाँ कर रहे हैं। भाई साहब पहली बात, अगर आप अपने प्रोफाइल पे या पेज पे काम करते, दोनों पे काम करने का तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहले प्रोफाइल या पेज को उस हिसाब से बनाया जाता है ताकि आपकी रील या वीडियो वायरल हो। अगर आप अपने पेज को फोटो से तैयार करना चाहते हैं तो शुरुआत से फोटो ही अपलोड करना करें। ठीक है, अगर आप AI फोटो डालते हैं तो AI वाली भी फोटो डालिए, फिर मिक्सअप नहीं। आप कभी ने अदर कंट्री का डाल दिया, किसी अंग्रेज का डाल दिया, किसी सेक्सी वाली लड़की फोटो का डाल दिया, कोई न्यूड वाला का डाल दिया, कभी बच्चे का डाल दिया, भाई साहब ऐसे नहीं वायरल होगा। जब तक आप एक कंटेंट पकड़ के नहीं चलोगे नहीं। अगर आप AI फोटो डालते हो तो AI फोटो ही डालना शुरू कीजिए। पहले प्रोफाइल को उस हिसाब से ग्रोथ किया जाता है जिस हिसाब की आपकी प्रोफाइल है, उसी हिसाब से डाल। आपको लाइव प्रूफ जो मैंने अकाउंट अभी दिखाया है इस पर केवल मैं रील डालता हूँ, यहाँ तक कि गुड मॉर्निंग मैसेज भी नहीं डालता, उस पर कोई टेक्स्ट भी नहीं डालता, खाली उस पर रील अपलोड करता हूँ। उसमें मुझे सारे टूल्स मिले हुए हैं, इनस्ट्रीम ऐड है, फिर भी मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करता उस पर, क्योंकि मैंने उस चीज़ को रील से तैयार किया है। इसलिए मेरी रील 10 मिलियन 12 मिलियन इस पे आसानी से चली जाती है, एक घंटे में 1,00,000 व्यूज क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। आप सबसे पहले सोचिए कि आपको काम कैसे करना है। अगर आप काम सही तरीके से करेंगे तभी आप अपने प्रोफाइल को ग्रोथ कर पाएंगे। मिक्सअप कॉन्टेंट डालेंगे, कभी आप किसी का फोटो, कभी किसी का रील, कभी किसी का, भाई साहब कभी नहीं होगा। अगर आप अपना प्रोफाइल या पेज को रील से तैयार करना चाहते हैं तो खाली एक ही टाइप का रील डालना शुरू कीजिए, उस पर कोई भी फोटो वगैरह अपलोड मत कीजिए। अगर फोटो से तैयार करना चाहते हैं तो केवल फोटो डालिए, अगर लॉन्ग वीडियो से करना है तो केवल लॉन्ग वीडियो कीजिए। तो ये सब चीज बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रोफाइल को ग्रोथ कर पाएंगे। आज मुझे फेसबुक पे 3 पेज पे काम करना क्यों करना पड़ रहा है ये बताइए। आपने अगर मुझे देखा होगा तो भाई साहब एक पे मेरा 2 मिलियन फॉलोअर्स है, बड़े बड़े का नहीं है। एक पे मेरा 4,25,000 है, एक पे मैं फेसबुक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो उस पे करीब 43 है। भाई साहब अलग अलग क्यों काम करना पड़ रहा है मुझे, आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा है क्या? जरूरी है, अगर अलग अलग काम करेंगे, एक ही में आप सोच रहे हैं कि मुझे बोनस ही मिल गया चलो फोटो भी डाल देता हूँ, रील मिल गया चलो रील भी डाल देता हूँ, लॉन्ग वीडियो का मिल इंस्टीमेट, उसमें सारे अगर आप मिक्सअप करते रहेंगे ना तो आपका नहीं होगा। भले आपको टूल अलग अलग मिला है तो फेसबुक कहता है भैया टूल तो आपको अलग अलग मिला, तो आप क्या सारे टूल से अर्निंग करना चाहेंगे? तो इससे क्या होगा, आपके जो व्यूज वगैरह है ना उसमें डिफरेंस आ जाएगा। आपकी कभी फोटो पे वायरल नहीं होगा, आप फोटो डालेंगे फोटो पे लाइक नहीं आएगा, कभी आप रील डालेंगे तो रील पे नहीं आएगा, कभी आप लॉन्ग वीडियो डालेंगे नहीं, क्योंकि सबका क्राइटेरिया भाई अलग अलग है। किसी को फोटो डालना पसंद है, किसी सबसे पहले अगर डालना ही है तो सबसे शुरुआत में ये गलती मत कीजिएगा। जब आपके फॉलोवर्स कम से कम 5,00,000 6,00,000 7,00,000 हो जाए इसके बाद फोटो भी डालिए,
उसी हिसाब से उसी कंटेंट का जो आप कंटेंट अपलोड करते हैं, ये नहीं कि आपने कुछ और डाल दिया, कभी कुछ और दिया, वो नहीं, कभी वो फोटो भी डाल लीजिए, कभी रील भी डाल लीजिए, कभी लॉन्ग वीडियो भी डाल लीजिए, लेकिन शुरुआत में ये गलती करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आप बड़े बड़े क्रिएटर का देख लीजिए, अभी वो अपना खुद का फोटो भी डालता है, खुद का रील भी डालता है और खुद का लॉन्ग वीडियो भी डालता है, सारे चलते हैं, लेकिन जब फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं तब, शुरुआत में अगर आप करेंगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि अपना जो कंटेंट है, एक कंटेंट को अपने प्रोफाइल को उस तरीके से पहले ग्रो कीजिए, एक ही कंटेंट मिक्सअप करेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जितना भी कोशिश कर लीजिए कोई मतलब नहीं है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि मैं तीन तीन प्रोफाइल पे क्यों काम करता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक भैया लाइक जरूर कर देना, और एक सपोर्ट भी मिलता है तो भैया फॉलो भी जरूर कर लेना अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना ताकि उसको भी पता चले कि भैया फेसबुक करना है तो काम कैसे करना है। जय हिंद।